الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله رحمته 100 جزء فأمسك الله عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات پر اپنی رحمت کو اتنا وسیع فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی اس رحمت کی اس عنایات کی اس شفقت کی کوئی حد نہیں ہے ہم اگر یہ کوشش کریں کہ اللہ پاک کی رحمت کا کنارہ ہمیں مل جائے اس کی حد ہماری سمجھ میں آ جائے اس کی انتہا کو ہم پہنچ جائے تو انسان کے لیے اس دنیا میں ایسا کرنا ممکن نہیں لیکن میرے عزیز و دوستو بھائیو اور بزرگو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ پاک کی رحمت عجیب انداز میں سمجھائی ہے حدیث پاک میں فرمایا بخاری شریف میں روایت ہے کہ جعل اللہ رحمته 100 جزء فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے 100 حصے بنائے فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا اور پھر اس کے بنانے کے بعد اس کے 99 حصے اللہ پاک نے اپنے پاس روک دیے تو 100 میں سے 99 حصے رحمت الہی کے وہ اللہ کے پاس ہے وَأَنزَلَ إِلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فرمایا اس زمین کی طرف اللہ پاک نے ایک حصے کو نازل فرمایا تو 100 حصے بنے 99 اللہ پاک نے اپنے پاس روک دیے محفوظ کر لیے اور ایک حصے کو اللہ پاک نے زمین کی طرف بھیج دیا یہاں تک بیان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ایک حصہ زمین کی طرف اللہ پاک نے بھیجا ہے اسی ایک جز اور ایک حصے کا کمال یہ ہے کہ فَيَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ
आज इस पूरी कायनात में, पूरी ज़मीन में आपस में जो मखलूकात रहमदिली करती है, एक दूसरे के साथ नरमी का, शफ़क़त का, आफ़ियत का, आसानी का जो बर्ताव आज कर रही है, ये सारी मखलूकात की आपस में रहमदिली अल्लाह पाक के उस रहमत के एक हिस्से की बरकत से है। सिर्फ इंसान नहीं, फ़यतराहमुल खल्क़ो, जितनी मखलूकात इस कायनात में मौजूद है और जितने रिश्ते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं हम आपस में जो एक दूसरे के साथ नरमी का, शफ़क़त का मामला करते हैं, माँ बाप औलाद से, इसी तरीके से बड़े भाई छोटे भाई से, बहन भाइयों का आपस में, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मियाँ बीवी का, जितने इस कायनात के अंदर हमें रहमत की, शफ़क़त की मिसालें जितनी भी नज़र आती है इंसानों में, ये सब अल्लाह पाक की उस रहमत के एक हिस्से की बरकत है। फिर आगे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हत्ता यहाँ तक के तुम देखोगे एक घोड़ी को, जो घोड़े का मुअन्नस है ना, एक घोड़ी को देखोगे, मुअन्नस घोड़ी को, कि जब उसका बच्चा उसके पास दूध पीने के लिए आता है तो वो क्या करती है, तरफ़ुल हाफ़िरा मिन खशियति वलदिहा, जब इसका बच्चा इसके पास दूध पीने आता है तो ये घोड़ी क्या करती है, अपना एक पैर उठा लेती है, जगह बना लेती है उस बच्चे के लिए ताकि आराम से दूध पी ले। तरल हाफिरा मिन खशियति वलदिहा, ये घोड़ी अपना एक पैर इस बच्चे के इस खौफ से उठा लेती है कि कहीं मैं पैर चौड़ा ना करूं और उसकी वजह से इस बच्चे को मेरा पैर लग जाए, उसको तकलीफ हो जाए। अब देखें, आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की रहमत को समझाने के लिए जो मिसाल बयान फरमाई, वो भी इंसान की पेश नहीं की, वो भी एक जानवर की पेश की, कि एक जानवर अगर आज अपने बच्चे पर शफ़क़त और रहमदिली कर रहा है तो समझ जाओ कि ये रहमत भी अल्लाह पाक की उस एक रहमत का हिस्सा है। ये हदीस पाक फरमाए। इससे मेरे अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, ये बात मकसूद है समझाना, और आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को ये बात समझाना चाहते हैं कि एक तो इंसान किसी भी हाल में अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो, किसी भी हाल में। क्यों? इसलिए कि एक आदमी के पास 100 रुपए हैं और वो उसमें से 1 रुपया इस्तेमाल करे और कहे घर वालों से कि भाई 99 मैंने अपने पास रखे हैं, किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा, 100 में से 1 इस्तेमाल हुए और 99 महफूज है, तो ये बोलने वाला अपने घर वालों को मुतमईन करता है कि वो टेंशन न ले, परेशान ना हो। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को मुतमईन फरमाया, तसल्ली दी कि तुम परेशान नहीं होना। आज जो दुनिया के हालात को देखकर, ज़िंदगी के माहौल और मराहिल को देखकर, तकलीफ़ों को देखकर हम थोड़ी सी देर में बहुत बड़ी परेशानी अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब कोई हल नहीं, कोई रास्ता नहीं, पता नहीं ये परेशानी कैसे ख़त्म होगी और शायद ये सब जमा होकर हम पर ही आ गई है। आज की जो ये बेचैनी मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों हमारे साथ लगी हुई है और ये परेशानी हमने अपने दिमाग पर मुसल्लत कर ली है, उसकी वजह यह कि हमारे अंदर मायूसी का एक जज्बा बैठ चुका है, तसल्ली का जज्बा नहीं, मायूसी ने अपनी जगह ज्यादा बनाई। थोड़ी सी तकलीफदेह सूरत हाल को देखकर, मसाइब को देखकर हम कहते हैं भाई अब इसका क्या होगा, अब इस मसले का हल क्या होगा। हालांकि जितनी चीज़ें आज हमारे लिए मुश्किलात
बनकर आती है, ये वो चीज़ें हैं जो आज से 30-40 साल पहले थी नहीं। आप गौर कर लेना दोस्तों, जितनी चीज़ें आज हमारी राहत की है, मिसाल के तौर पे ये बिजली है, गैस है, ये नलकों में लाइनों में पानी का आना है, ये सारी राहत है ना। लेकिन आप इन बुज़ुर्गों से पूछ लें कि 45-50 साल पहले, 60 साल पहले क्या हर आदमी के घर में लाइट आती थी, हर आदमी को गैस मिलती थी, हर आदमी के नलकों में पानी आता था? कुछ भी नहीं था। ये आपसे कहेंगे कि हम जाकर मोहल्ले के नल से पानी भर के बाल्टियां भर भर के लाते थे, और ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 20-25 साल पहले तक हर घर के अंदर पानी बाकायदा गर्म होता था, वो फिर ले जाके गुसलखानों में बाल्टियों में डाल के लोग नहाते थे, ऐसा था नहीं था। जो चीज़ें आज से 20-25-30 साल पहले थी नहीं और वो एक राहत की तरतीब बनकर हमारे पास आ गई, अब अगर उसमें कुछ तवक्कुफ होता है, तअत्तुल होता है, तो हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ये सारी सहूलियात जुड़ गई थी हमारे साथ, लेकिन वो राहत इतनी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, मिजाज का हिस्सा बन गई, कि अब थोड़ी सी उस राहत के अंदर, उस तायुश में, उस आराम में ज़रा सा खलल आता है और हम परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इसका हल क्या हो। इसलिए मेरे अज़ीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को समझाया है, तसल्ली दी है कि देखो ये दुनिया के अंदर जितने हम आपस के खैर के, रहमदिली के, सिला रहमी के, शफ़क़त के, खैरख्वाही के, एक दूसरे के लिए अच्छा जज्बा रखने के मामलात आज कर रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत के 100 हिस्सों में से कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है। एक हिस्सा सिर्फ इस कायनात में अल्लाह की रहमत का इस्तेमाल हो रहा है, और जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ी खैर है, मौजूद है। लेकिन 99 हिस्से मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों वो आखिरत के लिए, और असल ज़िंदगी चूँकि आखिरत की है, वो दायमी है, वो अबदी है, वो गैर फ़ानी है, उसी पर ही दारो मदार है, असल फ़िक्र उसकी है, तो हमें इत्मीनान और तसल्ली दी गई दोस्तों बुज़ुर्गों। और क़ुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने यही बात फरमाई, वरहमती वसअत कुल्ल शय, कि मेरी रहमत जो है वो हर चीज़ पर वसअत रखती है, हर चीज़ पर गालिब है। लेकिन अब आखिरत में अल्लाह की रहमत के 99 हिस्से हैं, इतनी बड़ी रहमत है इंतज़ार में, लेकिन ये हमारे नसीब में कैसे आए, हमारे मुकद्दर में कैसे आए? हम अल्लाह पाक की इतनी बड़ी रहमत को हासिल करने वाले, वसूल करने वाले कैसे बने? असल बात यह है दोस्तों कि ये कैसे मिल जाएगी। इसको लेने के लिए भी इंसान को तरीका बताया गया कि अल्लाह की रहमत के बड़े हिस्से आखिरत में हैं, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? इसको लेने के लिए भी इंसान को अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनानी। जहाँ आज एक तरफ हम पर मायूसी गालिब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, दूसरी तरफ बाज़ औक़ात हम गुनाहों में लग लग कर इतना जरी हो जाते हैं कि अगर बेनमाजी को आप कहें कि जी नमाज की थोड़ी फ़िक्र हो जाए, बदअमल को आप कहें कि थोड़े से आमाल की फ़िक्र हो जाए, हराम कमाने वाले को आप कहें कि भाई रिस्क हलाल की ज़रा फ़िक्र हो जाए, तो आज का मुसलमान बिल्कुल रेडी और तैयार है। वो आपसे कहेगा कि जी अल्लाह पाक बख्शने वाले, कहते हैं ना अल्लाह पाक बख्शने वाले, ख़्वाब पे ज़बर पड़ेंगे। आम तौर पे आप ये भी गौर करें, वैसे लफ्ज़ जो है ना ये बख्श है, ख़्वाब पे सुकून है, लेकिन बहुत जज्बात में हम कहते हैं अल्लाह पाक बख्शने वाले हैं। जी ये एक गुमराही है, एक गुमराह फ़िरका, फ़िरका मुर्जिया गुज़रा है इस तारीख़ में, जिनका ये अकीदा था कि अगर आप एक दफ़ा ज़बान से कलमा पढ़ लें
तो उसके बाद आपकी कोई बदअमली, कोई गुनाह, कोई बदकारी, कोई बदकिरदारी, जितने भी गुनाह हैं, कुछ भी है, उन गुनाहों से आपके ईमान पर, आपके आखिरत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि आप जबान से एक दफा कलमा पढ़ चुके हैं, उसके बाद आमाल करने न करने की, गुनाहों से बचने न बचने की हैसियत बराबर हो गई है। आप बताएं, ये दुरुस्त है? यह अकीदा दुरुस्त है? अगर ऐसा था तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मेहनत, इतनी रियाजत, इतनी कुर्बानियां, ये किस मकसद से? फिर तो इंसान जबान से कलमा पढ़ता और बैठ जाता कि चले भाई करते रहे। तो दोनों नजरियात मुसीबत है दोस्तों, दोनों सोचें इंसान को तबाह करती है। अगर इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो, ये भी मुसीबत है, और अगर इंसान अल्लाह पाक की जात पे जरी हो जाए, यानी उम्मीद के उन्वान पर गुनाहों पे गुनाह का आदि हो जाए, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। मायूस भी नहीं होना और इंसान को अपने आप को गुनाहों से बचाने की भरपूर फिक्र भी करनी कि मैं किस तरीके से अल्लाह पाक की इस रहमत का उम्मीदवार बन जाऊं आखिरत में। इसलिए कुरान करीम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया वरहमती वसियत कुल्ल शय, आगे आप गौर करें ना, आगे क्या फरमाया फसा अक्तुबुहा लिल्लज़ीना, ये अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत किन लोगों के हिस्से में आएगी, किन को मिलेगी, कौन इसके हकदार बनेंगे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया फसा अक्तुबुहा, यकीनन मैं अपनी इतनी बड़ी रहमत उन लोगों के हक में लिखूंगा जिनमें ये खूबियां होंगी। सबसे पहले नंबर पे अल्लज़ीन यत्तकूना, जिनकी जिंदगी तकवा वाली होगी, अल्लाह के खौफ वाली होगी। इंसान गुनाह करके कहे कि अल्लाह पाक बख्शने वाला है, ये तकवा है दोस्तों। इंसान अल्लाह की नाफरमानी वाले सारे आमाल करके कहे कि अल्लाह बख्शने वाले हैं, ये तकवा नहीं है दोस्तों। ये अल्लाह की जात पे जुरअत है, अल्लाह की जात के सामने खड़ा होना है। तो शर्त यह है कि रहमत उखरवी, इतनी बड़ी रहमत के लिए अल्लज़ीन यत्तकूना, जिनकी जिंदगी तकवा में गुजरेगी, अल्लाह के खौफ में, एहतियात में, परहेजगारी में, वयूतून ज़कता, और जो बिल्कुल तस्किए के साथ, सफाई सुथराई के साथ, दिल की पाकीजगी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी तमाम आयतों पर यानि कुरान करीम पर ईमान भी रखते होंगे। इसलिए उस आखिरी रहमत की तलब हमारे अंदर पैदा हो कि आखिरत में जो अल्लाह पाक की रहमत हमारी मुंतज़िर है, वो कहीं हम ज़ाया ना कर दे, हम उससे कहीं महरूम ना हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अपनी ज़िंदगी की आज इस्लाह करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। या तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं या बिल्कुल बेफिक्रे हो जाते हैं। मायूसी भी मुसीबत और महरूमी है, बेफिक्र होना भी मुसीबत और महरूमी। इसलिए हदीस पाक में, ये भी बुखारी शरीफ में रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने पिछली उम्मतों के एक फ़र्द का वाक़या बयान किया, और ये इतना आम वाक़या है कि हर आदमी इसको बयान करता है, सुनता है, हम मुख्तलिफ मजलिसों में इसको सुनते हैं, एक उमूमी वाक़या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स गुज़रा और जिसने शुऊर के बाद की ज़िंदगी का ऐसा एक लम्हा भी नहीं गुजारा जिसमें अल्लाह की नाफरमानी न की हो, सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की नाफरमानी में गुजरी। जब मौत का वक्त आया तो अब अपने घर वालों को एक वसीयत की, और वसीयत क्या की कि जब मैं मर जाऊँ तो चूंकि मेरे गुनाह और नाफरमानियाँ इतनी ज़्यादा है कि मुझे अपने अंजाम की खबर है कि मेरे साथ क्या होना है, लिहाजा मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को दफनाना नहीं,
बल्कि मेरी लाश को जला देना, बिल्कुल जला देना। फिर राख बन जाए तो आधी राख समंदर में बहा दो, आधी राख हवा में उड़ा दो। क्यों? का इसलिए कि अगर मैं अल्लाह की पकड़ में आया तो फिर मेरे लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं। अगर मैं अल्लाह की पकड़ में आया फिर मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। ये याद रखें, ये वाकया नहीं है सिर्फ, बाज़ वाकयात कहानियाँ होती हैं जो उरूज पा लेती है। ये मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, सही रिवायत है। इसके मरने के बाद घर वालों ने यही किया और इसके जिस्म को जला दिया, राख हवा में उड़ा दी, पानी में बहा दी। और इसके बाद क्या हुआ? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये हो गया तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इस बंदे की राख को जमा किया जाए, इसके जिस्म को बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। इसका पूरा जिस्म बना, एक एक ज़र्रा जोड़ा गया, फिर अल्लाह के सामने पेश हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे बंदे तुमने ये कैसी वसीयत की और क्यों की? तो इसने कहा, बेखशियतिका, कि अल्लाह मेरा ये कहना और ये वसीयत करना सिर्फ आपके खौफ की वजह से था। ये एक जुमला। तो फ़गफर अल्लाहु लहू, अल्लाह पाक ने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी। अब देखिए ये हदीस कितनी मशहूर है, आज से पहले आपने बीसियों बार सुनी होगी, लेकिन एक बात इसमें बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। वो बात यह है कि इस बंदे ने जो वसीयत की, आया ये वसीयत करना दुरुस्त थी? इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये वसीयत अहमकाना थी, अहमकाना। और आगे फरमाया, इससे बढ़कर अगर इस आदमी के अल्फाज को देखा जाए तो ये वसीयत काफिराना थी, अहमकाना थी। और उससे बढ़कर देखा जाए तो ये वसीयत क्या थी? काफिराना वसीयत। इसलिए कि इस मैंने तर्जुमे पे दो दफ़ा इसीलिए दोहराया, इस आदमी ने कहा कि अगर मरने के बाद अल्लाह ने मेरी पकड़ कर दी तो क्या मतलब अल्लाह पाक कादिर नहीं है कि इस बंदे को पकड़ ले? जलने के बाद, पानी में डूबने के बाद, ज़र्रा ज़र्रा होने के बाद, क्या अल्लाह पाक की ज़ात इस पे कादिर नहीं है? 100% अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। और हर बंदा जब कब्र में जाता है, इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह पाक जिसके साथ कोई मामला फरमाए, लेकिन उमूमी मामला ये है कि कब्र में इंसान का जिस्म जो है वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है। ये तो मिट्टी है, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक हशर को कायम फरमाएंगे, हुक्म होगा, तो मिट्टी के सारे ज़र्रात आपस में जुड़ेंगे और ये जिस्म बनेंगे, इसमें रूह आएगी, सब अल्लाह के सामने चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस आदमी की जो वसीयत थी ये बिल्कुल अहमकाना भी थी, गलत थी, बेकार वसीयत थी, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। और उससे बढ़कर अगर ज़ाहिरी अल्फाज को देखा जाए तो ये कुफर के अल्फाज हैं, इसलिए कि अल्लाह पाक तो कादिर मुतलक बादशाह है। लेकिन इसके बावजूद भी जब अल्लाह के सामने पेश हुआ और एतराफ़ किया कि अल्लाह मेरा ये सब कुछ कहना और करना सिर्फ आपके खौफ की वजह से था, खौफ की वजह से था, ये लफ्ज़ जो है ना बिखशियति का, यहाँ मुहद्दिसीन ने ये बात नुक्ते की लिखी है कि ये लफ्ज़ इस बात पे दलील है, बेखशियतिका का लफ्ज़ दलील है कि ये बंदा ज़बान से तो गलत अल्फाज बोल रहा था लेकिन इसके दिल में ईमान था। नहीं समझ में आई बात? ज़बान के जो अल्फाज हैं वो तो बिल्कुल गलत थे कि अगर अल्लाह इस बात पे कादिर हो कि मेरी पकड़ कर ले, ये तो गलत है, कुफ्रिया अल्फाज हैं। लेकिन बेखशियतिका से बात वाज़े हो गई कि इस बंदे के दिल में ईमान मौजूद था अल्लाह पाक का। इसी वजह से हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तशरीह फरमाई तो अजीब बात लिखी, फरमाया कि हम मुसलमानों को कभी भी
किसी बंदे के ज़ाहिरी अल्फाज और कलिमात को देखकर उस पर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्फाज का ज़ाहिर अगर ग़लत हो तो कभी इस बंदे की तकलीद नहीं करनी चाहिए। दो बातें हज़रत ने ज़िक्र की, फरमाया अगर किसी मुसलमान के ज़ाहिरी अल्फाज ग़लत हो, ज़ाहिरी अल्फाज जैसे इस बंदे के ग़लत थे ना, ग़लत थे, तो ज़ाहिर पर कभी भी फ़ैसला नहीं करे। शायद अंदर ईमान बहुत कवी हो और ज़ाहिर जो कह रहा है वो मेरी और आपकी समझ का नहीं हो, लेकिन ऐसे बंदे के इन ग़लत अल्फाज की तकलीद नहीं करनी चाहिए। अब देखें ना, बुखारी शरीफ का ये वाक़या हमारे सामने आया और आखिर में आपने क्या सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़गफ़र अल्लाहु लहू, कि अल्लाह ने उस बंदे की क्या कर दी, मग़फ़िरत कर दी। तो अब अगर कोई ये कहे कि यार ये तो बुखारी शरीफ का वाक़या है और इस बंदे ने ये वसीयत की, चलो हम भी कर लेते हैं, जायज़ है? नहीं। जहाँ शरीयत के ज़ाहिर की खिलाफ वर्जी नज़र आए, बात को समझें, जहाँ शरीयत के ज़ाहिर की खिलाफ वर्जी नज़र आए वो चीज़ कभी भी काबिल तकलीद नहीं है कि हम भी उसी तरह आप कर लेंगे, नहीं। हमें उससे मना कर दिया गया कि ये वसीयत करना नाजायज़ है, हराम है, बातिल है। एक बंदे के साथ अल्लाह पाक ने एक ख़ास मामला फरमा दिया और उसकी वजह यह थी कि अल्लाह पाक उस बंदे के कल्ब की कैफियत से वाकिफ थे जब यह बंदा वसीयत कर रहा था। उस वक्त भी अल्लाह पाक को पता था कि इसके अंदर का ईमान गया नहीं है, यह कोई नऊज़ बिल्ला कुफ्र की वजह से यह बात नहीं कह रहा, यह अल्लाह पर ईमान और यकीन न रखने की वजह से बात नहीं कह रहा, बल्कि वजह सिर्फ यह थी कि उस पर अल्लाह पाक का खौफ इतना गालिब आ चुका था कि उसने अपनी सोच के एतबार से समझा कि शायद मेरी निजात का रास्ता ये हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं था। इसलिए आज बहुत सारे मसाइल हम इसीलिए बना लेते हैं कि हम ज़ाहिरी मामलात को देखकर फट से फैसले करते हैं, भाई इसने ये कर लिया है, चलो भाई जलाओ, घेराओ, मार दो इसको, ख़त्म कर दो। ये मुसीबत, ये फितने आज क्यों फैले हुए? किसी चीज़ की हकीकत तक रसाई नहीं या उससे समझने की, पूछने की कोशिश नहीं की, भाई क्यों किया आपने ऐसे, इसने ये कह दिया था। आज हम नहीं देखते हमारे माहौल माशरे में कितने जुल्म इस बुनियाद पर हो जाते हैं। और अभी पिछले 10-12 दिन पहले जो पाकिस्तान में हादसा हुआ कि एक गैर मुस्लिम को एक बात को बुनियाद बनाकर कितने बदतरीन तरीके से उसकी इहानत हुई और उसको जला दिया गया, बिल्कुल मैं क्यों किया इस तरह, इसने इस तौहीन कर दी थी, इसने ये काम कर दिया था। वो काफिर जो ना आपकी ज़बान समझता है, ना आपके मुआशरत को समझता है, ना आपके शायर को समझता है, किसी चीज़ से वो वाकिफ नहीं है, लेकिन आपके जज्बात इतने ऊपर हैं, भाई इसने इस तरह कर लिया है, ये तो बिल्कुल तौहीन है, बेअदबी है। हर आदमी अपनी जगह पर मुफ्ती मुतलक बन के घूम रहा है और सिर्फ मुफ्ती नहीं, एक काजी बन के घूम रहा है, और फिर सिर्फ काजी नहीं, उसको नाफिस करने वाला बन के घूम रहा है कि चले भाई ये मामला मैं खुद हल कर लूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक गैर मुस्लिम अगर इस्लामी मुल्क में आ जाए और तरतीब पे आ जाए, जिसको मुस्तामिन कहते हैं, मुस्तामिन कहते हैं, हदीस पाक में आता है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मुस्तामिन को जो दारुल इस्लाम में अमन लेकर आया था, अमन लेकर आया था, और फिर उसको कत्ल कर दिया, तो ये आदमी जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाए। क्या पाक पैगंबर के ये फरामीन आज हमारे सामने नहीं है, जिनके नाम को बुनियाद बनाकर हम जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, किसी के जान से खेल गए, इज्जत से खेल गए, ख़त्म कर दिया उसको, और उसके बाद फिर हम कहते हैं जी हमें तो मनसब भी दिया जाए कि हम उशाक में से हैं, हमारा इतना बड़ा मकाम है। तो ये सारे फितने फसाद आज इसलिए हो रहे हैं कि दीन की वो समझ, वो गहराई, वो फहम है ही नहीं हमारे पास। अब देखें ना, ये हदीस आपके सामने पेश की तो मुहद्दिसीन ने इनकी इस हदीस की कितनी अजीब तशरीह की। अब उस आदमी की वसीयत गलत है, बातिल है, अल्फाज के ज़ाहिर कुफर पे दलालत कर रहे हैं,
लेकिन चूंकि उसके दिल के अंदर ईमान था और उससे सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात वाकिफ़ है, उसकी मग़फ़िरत हो गई। इसलिए मेरे अज़ीज़ो दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपनी इस आरिज़ी और महदूद सी ज़िंदगी में, जो बहुत कम है, इसमें हम अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह की ज़ात से मायूस भी ना हों, और उसके साथ साथ अल्लाह की रहमत का जो बड़ा हिस्सा है, 99 हिस्से, वो अल्लाह पाक ने कब किस वक्त के लिए रखें, आखिरत के लिए, उस रहमत के हिस्से के उम्मीदवार बने, उसके तलबगार बने। और वो उस सूरत में मुमकिन है जब हमारी ज़िंदगी तक़वा और तहारत के साथ गुजर जाए। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। या अल्लाह या अरहमर रहीमीन, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरन बातिनन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे, पूरी ज़िंदगी इत्तिबाए सुन्नत में गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। जितने बीमार घरों में है, अस्पतालों में है, मस्जिद के जितने बुज़ुर्ग अहबाब नमाजी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर नसीब फरमा दे। तमाम परेशान हालों की परेशानी को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा दे। जितने मरहूमीन मरहूमात दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान व बिल खैर नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़्ल व करम से, फ़ज़्ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीयिना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। रहमतुल्लाह।